मध्य प्रदेश के मालवा के बाद अब बुंदेलखंड में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। अब सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें टीकमगढ़ जिले में दो और नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनका कनेक्शन इंदौर ही माना जा रहा है। साथ ही यह खबर है कि अभी तक पन्ना जिला कोरोना वायरस से महफूज था, यहाँ एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब यह खबर है कि यहाँ भी एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। टीकमगढ़ में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, अब दो नए पॉजिटिव मरीज आने से यह संख्या 4 हो गई है, जबकि सागर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 थी जिसमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुल लिहाज से अब यह खबर पुख्ता है कि बुंदेलखंड की धरती में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बुंदेलखंड में 10 पॉजिटिव मरीज हैं जिसमें एक को डिस्चार्ज किया गया है। कहा जा सकता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या 9 है, जहां सागर में 5 तो टीकमगढ़ में अब यह संख्या 4 हो गई है। रविंद्र शर्मा के साथ अब्दुल तारिक, सागर एक्सप्रेस न्यूज, टीकमगढ़।